हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जो अधिगम चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट किए हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर था ये मैं मानता हूँ, और उसको जानने के बाद जो है किस तरह के प्रश्न आते हैं इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जो है हम लोग कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है पढ़ेंगे और समझने का भी प्रयास हो जाएगा इसी के द्वारा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे ये क्लार्क हॉल थे। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार जो है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को जो है माना जाता है। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, ये जो है अधिगम का मुख्य चालक जो है अभिप्रेरणा को कहा जाता है। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया था, तो पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हॉर्ल के द्वारा किया गया था। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? तो बालक जो है अपने अंगों का संचालन करना सीखता है, ये जो है गत्यात्मक अधिगम के माध्यम से सीखता है। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वो स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है, यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो यह जो है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है, इसलिए अगर वो साइकिल चला सकती है और उस ज्ञान का उपयोग अगर स्कूटी चलाने में करती है ये पॉजिटिव है। अगर नहीं चला पाते ऐसा कोई ज्ञान जिसके स्कूटी में उसका प्रयोग नहीं होता तो वो नेगेटिव में होता है, ये पढ़ाए भी हैं। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए जो है कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था, जो कि कोहलर ने जो प्रयोग किया था उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। सीखने के मुख्य नियमों के आंतरिक गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है, ये गौण नियम क्या है? ये जो है निकटता का नियम जो है ये गौण नियम है। विष्णु की पढ़ाई करते समय नींद आ रही थी, वो नींद भगाने के लिए चाय पीता है परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है, यह अधिगम का स्थानांतरण है। तो ये कैसा अधिगम का स्थानांतरण है? ये जो है नकारात्मक है, क्योंकि उसने जब चाय पिया उसको पढ़ना चाहिए था लेकिन वो जो है सो गया, इसलिए ये नेगेटिव में आएगा। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये स्किनर की देन माना जाता है। गेसाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेसाल्ट का अर्थ जो है ये समग्र रूप से है, और गेसाल्ट जो है संप्रदाय है, इसका अर्थ होता है समग्र रूप में। सुरेश को अंग्रेजी भाषा बोलना सिखाया जाता है, वो अंग्रेजी तो अच्छी तरह बोल लेता है परंतु अब हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता है, अधिगम का स्थानांतरण कैसा है? तो ये जो है नकारात्मक होगा, क्योंकि अगर वो हिंदी जानता था तो उसका हिंदी सही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था कि अंग्रेजी सीखने के बाद हिंदी गड़बड़ा जाए। मोहन 7A में पढ़ता है, उसे 7B में बिठा कर पढ़ाया जाता है, अधिगम का कौन सा अंतरण है? तो ये जो है अधिगम का क्षैतिज अंतरण है। अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो है परिभाषा किसने दिया था? ये जो है वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक जो है यहाँ सभी होगा, यानी कि उचित वातावरण भी जरूरी है, प्रेरणा भी जरूरी है और परिपक्वता भी जो है अधिगम के लिए जरूरी है। सीखी गई
क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो सीखी गई जो क्रिया होता है उसको किसी अन्य परिस्थिति में जब प्रयोग किया जाता है तो उसको जो है अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह जो है एक धनात्मक स्थानांतरण है, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर है। विद्यार्थियों को REET की तैयारी करवाकर नेट की परीक्षा ली जाती है। तो ये कैसा है, तो ये जो है ऊर्ध्व अंतरण है, यानी कि आप उसको रीट का तैयारी करवाइए और नेट का परीक्षा में बैठाइएगा तो ये कैसा ये होगा, तो ये जो है ऊर्ध्वर अंतरण होगा। कक्षा कक्ष अधिगम के लिए जो है कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो कक्षा कक्ष अधिगम के लिए जो है उपयुक्त सभी विधियां, यानी कि वाद विवाद विधि का भी उपयोग किया जा सकता है, प्रयत्न व त्रुटि विधि का भी उपयोग किया जा सकता है और अवलोकन विधि का भी उपयोग किया जा सकता है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से नाम से जाना जाता है, तो कोहलर ने जो अधिगम सिद्धांत दिया है उसे किस नाम से जाना जाता था, तो ये जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जो इसे जाना जाता है। थंडाइक मनोवैज्ञानिक थे, तो थंडाइक जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद है रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा, अगले दिन वो अध्यापिका के हाथ में डंडा देकर रोना प्रारंभ कर देती है, अधिगम का अंतरण कैसा है, ये जो है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण है। निम्न में से जो सीखने अथवा अधिगम का नियम नहीं है, ये जो है पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो नियम दिया गया है उसमें जो है सीखने या अधिगम का नियम नहीं है, ये जो है पढ़ने का नियम जो है ये सीखने या अधिगम के नियम नहीं है। अनुभव द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन है, तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको जो है अधिगम कहा जाता है। तत्परता के नियम का संबंध है, तो तत्परता के नियम का जो है संबंध जो है वो अधिगम से है। पूर्ण कारवाद के नियम है, तो ये जो है पूर्ण कारवाद के नियम जो है ये सभी हैं, कहने का मतलब है समरूपता समानता और संरचनात्मक, ये तीनों जो है पूर्ण कारकवाद का नियम है। सोहन कक्षा 9 में पढ़ता है, वह अंग्रेजी में कमज़ोर है, उसके पिताजी उसे गणित के अध्यापक के यहाँ गणित की ट्यूशन लगवाते हैं, फिर भी उसकी अंग्रेजी में सुधार नहीं होता है, अधिगम का स्थानांतरण है। देखिए प्रश्न ये कुछ कंडीशनल प्रश्न दिया जा रहा है कि अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह का ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। अब यहाँ पर क्या था कि अंग्रेजी कमज़ोर है लेकिन उसको गणित का टीचर दिया गया, तो ऑटोमेटिक है कि ये शून्य स्थानांतरण होगा, क्योंकि गणित जो है उसका अंग्रेजी में कोई मदद नहीं कर सकता है। यहाँ होना ये चाहिए था कि उसको अंग्रेजी का ही टीचर मिलना चाहिए था, तो ये जो स्थानांतरण होगा अधिगम का ये शून्य होगा, क्योंकि एक का ज्ञान दूसरे में प्रयोग नहीं होगा। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं, तो ये उपयुक्त सभी होंगे, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व, यानी कि प्रयत्न एवं त्रुटि भी होगा, अनुभव भी होगा और बुद्धि भी होगा। पावलोव था, ये पावलोव जो थे ये एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, बाद में इन्होंने जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम किया। अनुबंध प्रयोगों के में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है, तो ये जो है अनुबंध प्रयोगों में जो है अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन जो है ये पुनर्बलन की अनुपस्थिति के कारण होता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा दी है, ये परिभाषा जो है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था।
एक बालक का हाथ आग से जल जाता है, भविष्य में वह आग को देखकर जलन महसूस कर लेता है। अधिगम का स्थानांतरण है, तो ये भी जो है द्विपार्श्विक अधिगम है, यानी कि उसके पूर्व ज्ञान से जो है वो समझ जाता है कि आग को अगर दोबारा हम छुएंगे तो जलन होगा। प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। तो प्रयास के आधार पर जो है अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि जो होगा वो रेखीय त्वरण वक्र के द्वारा ये होगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये जो है निष्क्रियता सबसे अधिक जो पाई जाएगी वो अर्जित निःसहायता में पाई जाएगी। विद्यार्थी कक्षा में कलांश के दौरान जो है प्रारंभिक 5 से 7 मिनट कक्षा में रुचि लेते हैं और बीच में रुचि पूर्णता के साथ पढ़ते हैं, परंतु कलांश खत्म होने के से कुछ मिनट पहले पुनः कम रुचि रखते हैं, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये क्या हो रहा है कि हर बार चेंज हो रहा है, पहले नहीं मन था, फिर मन किया, फिर नहीं मन कर रहा है, ये रुचि में क्या हो रहा है, कम बेसी हो रहा है? तो ये जो है एक मिश्रित वक्र होगा। धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नांकित में कौन सा है? तो धनात्मक अंतरण का तत्व जो है सीखने का अधिगम तत्व है। टॉलमैन के सिद्धांत में किस तरह के व्यवहार की व्याख्या पर बल डाला गया है? तो टॉलमैन के सिद्धांत में जो है चरवन व्यवहार पर जो है बल डाला गया है। फिर एक कंडीशनल प्रश्न है कि कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता है, यह प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया जो है अधिगम पठार की प्रक्रिया है। पुनर्बलन से अप्रभावित होकर मात्र प्रेक्षण के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया होती है, यह दावा किनका है? ये जो है हाल के द्वारा जो है ये दावा किया गया था कि पुनर्बलन से अप्रभावित होकर मात्र प्रेक्षण के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया होती है। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है, वह जो है अनुकूलित अनुक्रिया का जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नियमैतिक अनुबंध का सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो ये नियमैतिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है ये स्किनर हैं। निम्न में से पूर्ण कारकवाद के नियम से जो संबंधित नहीं है वह है विरूपता, जो कि पूर्ण कारकवाद के नियम से संबंधित नहीं है। यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो यह है, ये एक सकारात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि एक का सीखा जो ज्ञान है एक विषय का वो दूसरे विषय में काम आ रहा है। विद्यार्थी को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है, यह अधिगम का सिद्धांत है। तो ये जो है क्रिया प्रसुप्त अनुबंध का सिद्धांत है। ये सभी चीज़ जो है डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, आप पहले के वीडियो भी देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा। तो पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? इसको जो है अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है, तो उत्तेजना जो है व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति में जो है सहायता मतलब करती है। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? इसको जो है क्षतिपूर्ति प्रणाली में जो है इस प्रतिरक्षक प्रणाली में जो है रखेंगे। याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा ये क्षतिपूर्ति होगा। कहने का मतलब है एक विकलांग बालक है, पहला जो है
उसको क्लास कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा मेहनत करता है और प्रथम आने का प्रयास करता है, जिससे कि क्लास जो है उसको एक्सेप्ट कर सके, यानी कि उसका शरीर में जो क्षति है उसकी पूर्ति करने के लिए जो है वो विशेष प्रकार से मेहनत कर रहा है। ये छात्र का अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो एक छात्र का जो है अधिगम जो है उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उस पर निर्भर नहीं करेगा अधिगम। फ्रायड के शब्दों में विस्मरण अधोलिखित में से किसका प्रतिफल है, यानी कि किसी चीज़ को भूल जाना, तो वो जो है दमन, यानी किसी चीज़ के द्वारा मतलब उसमें डर आ जाना, तो वो क्या होगा, विस्मरण की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी कि वो भूल जाएगा किसी चीज़ को, तो ये जो है दमन के कारण होता है। ये कहा किसने था, फ्रायड ने। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों को का जो है निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, ये जो है अनुकूलित अनुक्रिया का जो है सिद्धांत उपयोगी है। चंचल प्रातः जल्दी उठकर सुबह 4 बजे का अलार्म करती है, अब बजने पर उठ जाती है, 3-4 दिन करने पर अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है, यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत है, ये जो है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। सीखना, तो सीखना क्या है कि सभी है, यानी कि संपूर्ण जीवन चलता है, सीखने की प्रक्रिया जो है अनंत है, वो जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता है, नया कार्य करना भी सीखना है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों में के आधार पर भी जो है सीखा जाता है। व्यवहार के SR संप्रत्ययन को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया, तो ये जो है वुडवर्थ के द्वारा जो इसे प्रस्तावित किया गया था। पूजा Grade 2 की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके RET का परिणाम आ जाता है तथा वह असफल हो जाती है, वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हॉल के अनुसार उसे आवश्यकता है, उसे क्या चीज़ का आवश्यकता है, पुनर्वरण की, यानी कि किसी एक एग्ज़ाम को दिया गया उसमें फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो है दुखी होकर उसको बंद कर दे, उसमें क्या है कि दोबारा जो उसको पुनर्वरण करना चाहिए था, दोबारा से कहाँ कहाँ कमी था उसको खोजना चाहिए था, तो ये ज़रूरी था, तो यही क्लार्क हॉल के अनुसार जो है इस कंडीशंस में जो है पुनर्वरण आवश्यक था। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये जो है स्पीयरमैन के द्वारा जो है सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत दिया गया है। पावलो के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया कहलाती है, ये कैसा क्रिया था, ये जो है संबंध अनुक्रिया जो है कहलाता है। 3H हेड हर्ट हैंड संप्रदाय चलाया था, ये जो है पेस्टोलॉजी के द्वारा जो है 3H संप्रदाय चलाया गया था, ये याद भी रखिएगा, कभी हो सकता है पूछ दे कि 3H संप्रदाय जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये जो है पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। थंडाई के सीखने का नियम है, तो थंडाई का जो सीखने का नियम है वो प्रभाव का नियम है। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसको जो है उद्दीपक प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विवेकशील प्राणियों पर लागू नहीं होने वाला सिद्धांत है, तो विवेकशील प्राणियों पर जो है कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है, वो है प्रयास त्रुटि का नियम जो है उसमें लागू नहीं होगा। व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है उसे हॉल को कहा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं अधिगम चैप्टर से, और इन प्रश्नों को एक दो बार जो है पढ़िए और देखने से क्या होगा कि आप प्रश्नों को समझ पाइएगा। बहुत सारे प्रश्न हम लोग देखें जो बहुत कंडीशनल अवस्था में थे, तो इस तरह के प्रश्नों को जो है कभी कभी जो है खास करके सी टेट की परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। इसलिए जो है इसको एक दो बार जरूर देखिए कि कंडीशंस क्या होने पर कौन सा आंसर हो रहा है, और जो है इससे पहले जो अधिगम का चैप्टर है उसको भी एक दो बार देख लीजिए, जिससे कि पूरे आंसर में जो है आपको कन्फ्यूजन्स नहीं हो। और साथ ही साथ ये बताइए ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिए, लाइक डिसलाइक कीजिए, और साथ ही साथ जो है इसको शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू।